शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी। नमस्ते सेठ जी, तैयार हो गए? सेठ जी तो आपके साथ मंदिर गए थे। मेरे साथ मंदिर गए थे? क्या बात कर रहे हो? लगता है आज फिर आप उन्हें भूल आए। हो गई गड़बड़, अब सेठ जी आएंगे कैसे? जगत सारे रखो। जगत चिरकोट आया। सेठ जी आया, अभी हाजिर हुआ। माफ कर दीजिए, थोड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए सेठ जी। कब तक माफ करूं, कितनी बार माफ करूं? सेठ जी मैं जानबूझकर थोड़ी करता हूं, मुझे तो बीमारी है भूल जाने की। हो गया। तू खाना तो नहीं भूलता, सांस लेना तो नहीं भूलता, ये कपड़े पहनना तो नहीं भूलता, पगार लेना भी नहीं भूलता। पगार से याद आया सेठ जी कि इस बार पगार मुझे जरा जल्दी चाहिए। पगार? वो क्या होता है, मैं भी भूल गया। जी सेठ जी, सेठ जी मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए बोला था, लड़का ढूंढा। लेकिन सेठ जी आपने बताया नहीं लड़का कैसा चाहिए। अरे लड़का कैसा भी होगा चलेगा, बदसूरत होगा तो भी चलेगा, लेकिन दौलत मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, मुझसे बड़ा बंगला होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर शहर में एक बंगला होना चाहिए, एक बंगला बने न्यारा। ए राजा चल। ये ले अपने कपड़े पहन। मॉर्निंग साहब जी। राजा आ जा। भैया आज तो ये आजाद सिंह की जेल से आजाद हो रहा है। अच्छा। ये ले, ये रही तेरे 16 महीने की कमाई। पैसे। भैया मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, नाइस। आखिर तुम सच्चे निकले, कोर्ट को मानना ही पड़ा कि मंत्री जी की कार को तुमने बम से नहीं उड़ाया था। हाँ, कोर्ट ने मान लिया, मगर 16 महीने बाद, 16 महीने पहले मैं चीख चीख कर बोलता रहा कि मैंने बम नहीं लगाया, तब आप लोग मुझे घसीट घसीट के यहाँ लाना चाहते थे, मेरी जिंदगी के 16 महीने खराब कर दिए, कहाँ से लाऊं मैं 16 महीने अपने। भैया समझ में नहीं आ रहा है कि जब बम ब्लास्ट तुमने नहीं किया तो तुम पकड़े कैसे गए। साहब जी जब आदमी का वक्त खराब होता है ना तो हाथ आई मुर्गी भी हाथ से निकल जाती है। वेरी सैड, लेकिन जो हो गया सो हो गया। देखो जैसे हर बाप अपनी बेटी को विदा करने से पहले ये कहता है ना कि बेटी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से दोबारा तुम्हें लौट कर आना पड़े, वैसे ही मैं अपने हर कैदी से यही कहता हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें यहाँ वापस लौट कर आना पड़े। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से तुम सीधे अपने घर वापस चले जाओ। सर मैं घर जाऊंगा लेकिन वाया दुबई। ओ ठीक। हाँ ओके नमस्ते। अंगूठी? नहीं नहीं घर भूल गया हूंगा।
बेटा। माँ, माँ तू रो रही है? देख माँ, अगर तू रोएगी ना तो मैं भी रो दूंगा। तुझे इतने दिनों बाद देखा बेटे, इसलिए आंसू आ गए। नहीं माँ, माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाया, ये पकड़। ये माँ, ये तेरे लिए शॉल, ये दुबई की साड़ी, और माँ तेरे लिए मैं चप्पल भी लाया हूँ। इतनी नरम चप्पल है, तू पहनेगी ना तेरे पाँव में एक कंकड़ नहीं चुभने वाला। ये ले, ये बड़ा आया माँ का ख्याल रखने वाला। वहाँ दुबई में मेरी याद आती थी क्या? दुबई? नहीं माँ, मैं तुझे हर पल हर घड़ी याद करता था माँ। राजा तू इतना गोरा कैसे हो गया? माँ क्या था, सब कुछ एयर कंडीशन था, कोठी भी एयर कंडीशन, गाड़ियाँ भी एयर कंडीशन, सब कुछ एयर कंडीशन, सूरज दिखता नहीं था ना वहाँ। फिर तो तुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रही है माँ, सारी उम्र मैं यहाँ रहा और दो साल में वहाँ का हो जाऊंगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, विदेश जाकर तू जरा भी नहीं बदला। अरे बेटे तेरे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? हाँ गाड़ी थी ना मेरे पास, बड़ी महंगी गाड़ी थी, इसलिए मैं ड्राइवर को देता नहीं था चलाने के लिए, खुद ही चला लेता था। चला चला के हाथ ऐसे सख्त हो गए। अब तेरा प्यार मिलेगा ना माँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। अब तो लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। अरे खाक थक गया माँ, दो घंटे में यहाँ पहुँच गया हूँ। दो घंटे में? और क्या, हवाई जहाज से जो आया हूँ। तू हवाई जहाज से? अब माँ, अब तू एक काम कर, अपनी सारी चीजें बैठ के देख, और तेरे लिए मैं परफ्यूम की बोतल भी ले आऊँ। ओके, और मैं चला अपने दोस्तों से मिलने माँ। तेरी उम्र तो गंगा नदी से भी यार। कसम राजा तेरा, कब से अपुन बात कर रहे हैं यार राजा। अरे अपुन को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजा अपने आंखों के सामने है। राजा ये तो बता, तू जेल तोड़ के आया दीवार फांद? अरे ना भाई, जेल तोड़ के आया ना भाई, दीवार फांद क्या, मैंने कोई जुर्मी नहीं किया भाई, मैं तो सीधे चल के आ रहा हूँ। अच्छा, तेरा बॉडी एकदम सॉलिड हो गया यार। सही है सॉलिड राजा। यार अपने को भूख लगी है यार, खाने को बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, ये खाने को मिलेगा, इसको भूख लगी है, भूख लगी है यार, बरसों से खाना नहीं खाया, ये देख पेट, देख मेरा पेट, देख। लेकिन राजा बरसों से भूखे हैं यार। हाय राजा, आज पार्टी देना यार। हाँ यार, पार्टी। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ यार। अबे बहुत दिनों बाद नहीं, जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। खा बे। राजा ये सब खाने से मेरी तबीयत नहीं खराब होगी ना? अबे ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना अच्छा खाना खाने से कभी किसी की तबीयत खराब होती है क्या? राजा तकरार मार रहा है। सीप्लेस। ए, जान दे यार, खान दे यार। वो राजा अपना क्या है ना, अपने पेट को ऐसा आदत नहीं अच्छा अच्छा खाने को, और आपने वो फूड पॉइजन हो गया तो किस्मत ही चमक गई। हाँ यार, आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था, आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। हाँ यार भाई, लालवाणी साहब की दरिया दिली का भी जवाब नहीं। उनकी इकलौती लड़की उनके ऑफिस के एक मामूली क्लर्क से इश्क लड़ा बैठी, बजाय उसे नौकरी से निकालने के उन्होंने उसे अपना दामाद बना लिया। काश हमारी भी किस्मत ऐसे ही चमकती। हाँ यार, खाली पीली टेंशन मत ले असलम, देख ब्लैक के धंधे में ऊपर नीचे होते रहता है यार। इस हफ्ते बॉबी डोल की पिक्चर लगने वाली है, अपुन को अंदर से रिपोर्ट मिली एकदम सॉलिड पिक्चर है, टिकट खरीद डाल। अरे क्या खरीद डाल साला, जेब में 250 रुपए पड़ा है, पैसा होता ना 300 टिकट खरीदता और एक टिकट 300 में बेच डालता मैं। समझे यार। अरे ये अपना माइकल जैक्सन पंकज उदास कैसे बन गया? अरे राजा पलट, तेरा ध्यान किधर है? ए राजा, हारे हुए लीडर की तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है। क्या है? पता तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। मगर पता तो चले तू सोच क्या रहा है।
कल शादी में मेरी आँख खुल गई और मुझे पता चला कि करोड़पति बनना कितना आसान है। करोड़पति बनना आसान है? ये शहर देख रहे हो, यहाँ हजारों करोड़पति लोग हैं, सिर्फ एक करोड़पति लड़की ढूंढनी है, उसे पटाना है, उससे शादी करनी है और राजा करोड़पति बन गया। सोचना आसान है राजा, पर होना मुश्किल। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं। अरे मैं भटक गया था, मैं हमेशा यही सोचता था कि अकल और मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। उस दूल्हे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नई राह दिखाई। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद सारे काम छोड़कर सिर्फ करोड़पति लड़की ढूंढना है बस। जहां चाह है वहां राह है। सच्चे दिल से चाहो तो भगवान भी मिल जाता है, ये करोड़पति लड़की क्या चीज है। क्यों असलम, तुम लोग मेरे साथ हो ना? क्यों नहीं यार, अब जिंदगी का एक ही मकसद, राजा होगा उसका पति जो होगी करोड़पति। अपने बलवंत की तो किस्मत ही चमक गई, मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था और आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। राजा। हाँ माँ। बेटा तू मुझसे वादा कर कि अब दोबारा दुबई नहीं जाएगा तू। माँ मैं तो खुद दुबई नहीं जाना चाहता, माना कि वहाँ सब कुछ है, खाने के लिए है, पीने के लिए, लेकिन माँ आजादी नहीं है वहाँ। अच्छा, अब तो माँ सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी माँ को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। हे भगवान, इतना पैसा कमाने के लिए तो 20-25 साल लग जाएंगे। एक साल माँ, सिर्फ एक साल, ऐसा शॉर्टकट मारूंगा कि तेरा बेटा सीधा करोड़पति बन जाएगा। देख जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ गलत काम? माँ तुझे ऐसा लगता है तेरा बेटा गलत काम करेगा? हाँ? नहीं बेटे, मगर मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। वैसे एक बिजनेस मेरे दिमाग में आया है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो बस काम ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है तेरे साथ। आके सीख गई यार, अब तो आ जा। ओह आ गई। राजा इसी बस के अंदर तेरे सपनों की रानी आएगी, देखना। देख देख कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां उतर रही हैं। वाह, जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा, जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, छोटे लोग, न जाने इनकी औकात क्या होती है, नदी में पैदा होते नाले में मर जाते हैं। चीपलेस चीपलेस। इसको बोलते हैं लड़की। देख क्या लड़की उतरी है। तो मर गया बेचारा। असलम बहुत बड़ा जीनियस था वो। अरे लाया, बहुत बड़ा, हर क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अरे क्या फायदा इसी पढ़ाई लिखाई का, लाइफ का कोई ठिकाना ही नहीं रहा उसका। इसीलिए तो अपन ने पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्टेज नहीं किया। सब किस्मत का चक्कर है यार। ये देख, ये अपॉइंटमेंट लेटर देख, लगता है जमनादास कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, ज्वाइन करने जा रहा था वो। कौन सा कॉलेज बोला तू? जमनादास बहरा है। क्या?
अबे जमनादास कॉलेज जिसमें बड़े घरों के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं ना वो। तो राजा लड़के लड़कियां लड़कियां सोच उसका एक्सीडेंट होना फाइल का तेरे पास आना उसका ऊपर जाना जमनादास कॉलेज में पैसे वालों का पढ़ना ये सब ऊपर वाले का चलाया हुआ चक्कर है राजा। लगता है ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश यहीं पूरी करेगा। अमीर बाप की बेटी मिस्टर परिमल चतुर्वेदी हमारे कॉलेज में ये पहला मौका है जबकि जवान स्टूडेंट्स के लिए हम एक जवान प्रोफेसर अपॉइंट कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी सिर्फ माँ। माँ लेकिन एप्लीकेशन में तो आपने अपने आप को अनाथ बताया है। जी बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। माँ से मेरा मतलब है भारत माता से। एक बात का ध्यान रखिए मिस्टर परिमल इस कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ जाने मन। क्या कहा? जी मैं जानता हूँ। आई अंडरस्टैंड। आपके खिलाफ किसी भी स्टूडेंट की कंप्लेंट आपको हमेशा के लिए नौकरी से अलग कर सकती है। कौन कम वक्त यहाँ जिंदगी भर नौकरी करना चाहता है? सही। ये गुलाब का फूल अच्छा है। जी एक चाचा नेहरू को शौक था और एक मुझे। ओह गुड दैट्स गुड। जाइए अब आप अपनी क्लास में जाइए। आपके स्टूडेंट्स अपने नए प्रोफेसर का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। जी मुझसे ज्यादा बेताब नहीं हो सकते वो लोग। अच्छा जी है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। लो एक और नया एडमिशन। हाँ पर मैं स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? वाओ व्हाट अ हैंडसम प्रोफेसर। थैंक यू। बैठ जाइए। मेरा नाम है प्रोफेसर परिमल चतुर्वेदी। आप लोग मुझे प्यार से राजा भी कह सकते हैं। हाय राजा। आई मीन हेलो सर। सो आपको तो फिजिक्स का प्रोफेसर होना चाहिए था। उसमें एक्शन है रिएक्शन है। सर आपने हिस्ट्री जैसा मरे हुए लोगों का सब्जेक्ट क्यों चुना? माना कि हिस्ट्री बोरिंग है मगर हिस्ट्री को अगर मिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। हिस्ट्री में क्या क्या नहीं है जंग लड़ाई शांति हार जीत नफरत मोहब्बत मोहब्बत यानी कि प्यार लव। अच्छा एक बात बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने प्यार किया है? पूनम तू हाथ उठा ना। क्यों 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 राजेश तेरा कौन लगता है? हाथ उठा हाथ उठा। कम ऑन ये शेम ऑन यू ऑल। इस क्लास में लव का परसेंटेज कितना कम है। अच्छा एक बात बताओ प्यार कौन कौन करना चाहता है? सर तू भी हाथ उठा ना उठा ना हाथ उठा 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 ना उठा मेरी जान। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे यकीन हुआ कि इस क्लास का रिजल्ट अब 100% आएगा। अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं प्यार से। प्यार यानी कि लव मोहब्बत। ओके स्टूडेंट्स तो ये लेसन हम कल पढ़ेंगे। नाइस मीटिंग यू। सी यू सर। सर यस क्लास के अलावा आप लव का भी ट्यूशन दे सकते हैं? नो। राजा सुन
कहीं तेरी पोल तो नहीं खुली ना? पोल? हाँ। अबे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सोच मेरी क्या हालत हुई होगी। इतने सारे लड़के लड़कियां कहते गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, हर शब्द के पीछे सर ही सर। अबे मेरा तो सर ही घूम गया, उस एक शब्द ने मेरे अंदर इतनी हवा भर दी कि मैं तो आसमान में उड़ने लग गया, आसमान में उड़ने लग गया। अबे जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ के नहीं? कोई करोड़पति लड़की फंसिया नहीं? अबे वहाँ तो पढ़ने वाली हर लड़की करोड़पति। अरे है तो पकड़ लेना था किसी अबे एक को। पकड़ तो लू लेकिन समझ में नहीं आ रहा सबसे ज्यादा करोड़पति कौन सी है, इकलौती कौन सी है। अरे सिंपल यार, लड़कियों से पूछ लेने का। दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। अब मैं उनसे पूछू सबसे ज्यादा करोड़पति कौन है। बेवकूफ, अब तो कोई और ही आइडिया सोचना पड़ेगा। मेरे पास है एक आइडिया।